नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस मुद्दे पर बात होनी है उस मुद्दे पर लगता है पार्टियों को बहुत लंबे वक्त से मंथन करने की जरूरत थी, लेकिन क्या वाकई में जो मंथन इस वक्त हो रहा है उस मंथन के बीच में से वो अमृत निकल पाएगा जिसके साथ सभी की प्यास बुझ जाए, प्यास टिकट मिलने की और प्यास टिकट ना मिलने की। क्योंकि दोनों ही पार्टियां दिल्ली के अंदर मंथन कर रही है और सियासत का केंद्र देश की केंद्र यानी कि दिल्ली बनी हुई। बीजेपी दूसरी लिस्ट को लेकर कोर कमेटी की बैठक में मशगूल है और मंथन कर रही है और कांग्रेस अपनी पहली ही लिस्ट को लेकर जद्दोजहद कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में चल रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई में इन दोनों बैठक के बाद वो नाम सामने पार्टियों के लिए आ पाएंगे जिस पर सभी की रजामंदी। इन सबके बीच में सवाल यह भी है, क्या वाकई में जो कहा जाता है कि युवाओं की भागीदारी सियासत में बढ़ानी है, जो ये कहा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी सियासत में बढ़ानी है और दोनों ही पार्टियां बड़े जोर शोर के साथ इसका जिक्र करती हैं और कहते हैं कि वही युवाओं और महिलाओं के सच्चे समर्थक और अगर उनकी पार्टी है तो ही राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ सकती है, क्या वाकई में दोनों पार्टियों ने कोशिश की कि एक नई खेप को तैयार किया जा सके, युवा ब्रिगेड को तैयार किया जा सके, अगर इनको टिकट नहीं तो इनको मजबूत दावेदार के तौर पर पेश किया जा सके। टिकट बंटवारे के दौरान ये सब सवाल हों जो सामने होंगे और कांग्रेस के अंदर इसी सवाल के इर्द गिर्द राजस्थान की सियासत घूम रही है, सिंहासन घूम रहा है। तो देखते जाइए, टिकट बढ़ते जाएंगे और उन टिकट बढ़ने के साथ साथ ये तय होगा कि क्या वाकई में एक बार फिर से पुराने चेहरों पर ही दाव खेल दिया गया या नए चेहरे भी सामने आए। क्योंकि कांग्रेस ने जिस अंदाज में प्रत्याशियों से फॉर्म जमा कराए वो संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उस बहुत ज्यादा संख्या में क्या वाकई में नंबर दो में वो नेता हैं जो नंबर वन को रिप्लेस कर पाए? ये सवाल तब खड़ा हुआ कि पहले कहा जा रहा था कि 40 से 50 वर्तमान विधायकों को रिप्लेस कर दिया जाएगा, उनके टिकट काट दिया जाएगा, युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दूसरा विकल्प ही नहीं है तो पुराने घोड़ों पर ही दाव खेल दिया जाएगा। तो क्या वाकई में जो दूसरी लेयर है उसको तैयार ही नहीं किया गया? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से जिला अध्यक्ष आरआर तिवारी जी, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता राजकुमार वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी, मैं अपनी टेक्निकल टीम को भी कहूंगा इनका नाम राजकुमार से रामकुमार कीजिए सर। लेकिन आरआर तिवारी जी, इतनी मंथन के बाद अब पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, अलग अलग अधिवेशन में अलग अलग डिक्लेरेशन कांग्रेस की तरफ से किए गए, और अब ये कहा जा रहा है अंदर खाने कि भाई सेकेंड लेयर है ही नहीं, सेकेंड लेयर पनपने ही नहीं दी गई, इलाकों के अंदर युवाओं ने बकायदा 5 साल काम ही नहीं किया, वो वर्तमान चेहरे के बराबर जिताऊ नहीं है, तो फिर सेकंड लेयर का क्या होगा? विजेंद्र, आपके पास में कहां से सूचना आ रही है ये आप तक जानकारी होनी चाहिए, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं राजस्थान के विधानसभा के हमारे जो 200 टिकटों का वितरण होगा, 200 साथियों का जो हम चयन करेंगे, उदयपुर डिक्लेरेशन के अनुसार हम 50% उम्मीदवार 50 साल से कम का और 50% उम्मीदवार 50 साल से सीनियर का। और सवाल ये कि हमारे यहाँ युवा हैं ही नहीं है या हमारे यहाँ उन्होंने काम ही नहीं किया? राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में नई टीम ने जोर से काम किया और मैं आपको फिर कह रहा हूँ दावे के साथ, अब की बार राजस्थान की सूची चौंकाने वाली होगी। विजेंद्र सोलंकी, आज आपके सामने एज ए जिलाध्यक्ष कह रहा हूँ, नई पीढ़ी दस्तक दे रही है अपने नए जीवन के लिए, पुरानी पीढ़ी के लोगों को वापस आना ही पड़ेगा। चुनाव जीतती है पार्टी, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जिन लोगों ने 15-20 साल से अपना जीवन झोंक रखा कांग्रेस की हर रीति नीति के लिए, राहुल गांधी की ताकत बन करके जो अपने इलाके में काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लगातार 9 साल से देश राजस्थान की धरती पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को मौका मिलेगा, आने तो दो। ये सर, आप ही जिलाध्यक्ष हैं भाई,
आप बताइए आपके जिले के अंदर वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर युवा चेहरे नजर आएंगे, 50 साल से नीचे के चेहरे नजर आएंगे। ये बातें मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने राजस्थान की राजधानी में हाईकमान से कहा कि हमारे यहाँ नौजवान दस्तक दे रहे हैं, राजस्थान की राजधानी में हमको प्रयोग नहीं ये करना ही पड़ेगा, हमारे नए लोगों को लाना पड़ेगा। माने हाईकमान से लेकर के तमाम नीचे प्रदेश की स्तर तक भी कहा कि हमारे यहाँ। आप बताइए सर, आप अपने आप को युवा मानते हैं या बुजुर्ग मानते हैं, वरिष्ठ मानते हैं? मेरी नजर में तो देखिए आप युवा हैं, क्योंकि जो जोश आपके अंदर है कांग्रेस के युवाओं के अंदर भी वो जोश नहीं है। भाई देखो, मैं उम्र के 70वें साल के पड़ाव में हूं, मैं युवा तो नहीं हूं, लेकिन काम करने का जज्बा किसी नौजवान से कम नहीं है। और तो मैं मानता हूं सर, मन अगर आपका ताकतवर है, अगर नया काम करने की इच्छा है तो वो युवा ही होता है। लेकिन मैं फिर मेरे ऊपर मत लीजिए, मैंने राजस्थान की राजधानी के लिए जो 8 टिकटों में मैंने निवेदन किया है कि मेरे राजधानी में आप नए चेहरों को लेकर के आइए, राजस्थान की राजधानी के 8 सीटें जीत करके देंगे, सरकार जननायक अशोक गहलोत की बनाएंगे। जितेंद्र ठीक है, राम कुमार जी जरा बताइए, बीजेपी ने 41 नाम निकाले, आप गिनाइए कितनी महिलाएं उसमें हैं, और अगर एक कानून 2029 के लिए एक बार मान भी लिया जाए चलिए, तो ये तो उसमें कहीं नहीं लिखा ना कि आप महिलाओं की भागीदारी को 23 और 24 में सुनिश्चित नहीं करेंगे। क्या वाकई में हम 15% सीटें भी महिलाओं को डेडिकेट नहीं कर सकते, और फिर हम कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है? मैं सोलंकी साहब आपको कहना चाहता हूं, बीजेपी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है, इस तरह का नहीं है कि कांग्रेस की तरह जो वादा ये क्या करते हैं इनको ये मालूम नहीं। अभी इनके टिकटों की बात अभी तिवारी साहब कर रहे हैं, लेकिन इनके वादे कहाँ हैं, बड़े खोखले हैं। इन्होंने कहा कि 3 महीने पहले हम लिस्ट जारी कर देंगे। अरे आप 3 महीने, 1 मिनट, आप तिवारी साहब सुनिए, मैंने आपको तिवारी साहब ये मैंने बड़ा पैसे से सुना है, मैंने पैसे से सुना है, आप धैर्य रखो, मुझे मालूम है कि आपकी बौखलाहट है, आपकी बौखलाहट का कारण है आपके जो युवा है। राम कुमार जी पहले दिन आने वाले हैं, 15 लाख खाते में आएंगे, ये तो महंगाई बनाई हुई बातें हैं, जनता माफ नहीं करेगी। इनसे ये पूछो, ये क्या था साहब, ये क्या घोषणा पत्र, पहले बताओ आप तो, मैं पार्टी की बात बता रहा हूँ, उम्मीदवार नहीं आप तो सही सांसद तिवारी जी, आपने जो कुशासन जनरल राज भ्रष्टाचार पेपर लीक और जिस तरह से दुष्कर्म है राजस्थान में और नंबर 1 पर आ गए हो, मुझे आज आपके पास में कैंडिडेट नहीं है, आप तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे। वर्मा जी मैंने बहुत बेसिक सवाल किया था, एक मिनट आप क्या करेंगे, आपके राम कुमार वर्मा जी सर मैंने बहुत बेसिक सवाल किया था आपसे कि भाई क्या महिला भागीदारी, आपने कहा जो कहते हैं करते हैं, मैं बहुत छोटा कह रहा हूँ, 33% नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ क्या राजस्थान में 15% महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जा सकता है? आप देखिए जो हमारे जो लिस्ट निकली है उसमें आपने महिलाओं को देख लिया है, कितना फीसदी सर, ये फीसदी आएगी, अभी 200 विधानसभा की सीटें हैं, और राजस्थान के अंदर जो हम कहते हैं वो करते हैं, हमारे जो भी बहने जिस तरह के उनको आगे रखते हैं और मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, ऊपर से लेकर के पूरे देश के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा ये है, ये नहीं है कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पार्टी जो परिवार, सर मैं बीजेपी पे बात कर रहा हूँ, आप कांग्रेस पे आ रहे हैं भाई, राजस्थान के अंदर राम कुमार जी ये आपके बीजेपी में आपको भर दिया जाता है, रटी रटाई भाषा बंद करो, मैं कह रहा हूँ क्या पेपर लीक हुए, जवाब दीजिए, जयपुर में राजवर्धन सिंह को 18 एग्जामों के पेपर लीक, दीया कुमारी को उतार करके जयपुर के आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बनवा दिया, आज भी क्या महिला नहीं है, ठीक है दोनों रुक जाइए, देवेंद्र शास्त्री जी ठीक है दोनों रुकिए, देवेंद्र शास्त्री जी अगर मेरे बस में होता तो मैं आर आर तिवारी जी को PhD की डिग्री देता बीजेपी पर करने के लिए मंथन, और राम कुमार जी को डिग्री देता कि कांग्रेस पर मंथन करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे, क्या वाकई में ये स्ट्रगल पार्टियां इस वक्त अपने अंदर खाने महसूस कर रही हैं कि अगर हम किसी का टिकट काट भी दें, वर्तमान विधायक का या जो वहां का हारा हुआ प्रत्याशी है उसका भी काट दें, तो हमारे पास सेकंड लेयर उतनी मजबूत नहीं या उसकी एक्सेप्टेंस जनता के बीच में उतनी नहीं, क्योंकि पार्टी ने उनको उस तरीके से डेवलप ही नहीं किया? देखो विजेंद्र, आपने बहुत सामयिक विषय चुना डिस्कशन के लिए। दोनों पार्टियां जो राजस्थान में सक्रियता से सरकार चलाती रही हैं, दोनों पार्टियां जो कहती हैं वो करती हैं ये दावा करती हैं, लेकिन सच्चाई इसके एकदम उलट है जी। आप देखिए कि इनके बातचीत में कंट्राडिक्शन है,
ये अभी कांग्रेस भी कहती है और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, प्रायोरिटी जिताऊ है, उम्र नहीं है और ना ही कोई महिला और पुरुष का प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी है कि जो जीत सकता है उसको टिकट देंगे। क्या हारने वाले युवा को देंगे? संगठन का आदमी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, 5 साल से सक्रिय होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कल सदस्यता ग्रहण कर लीजिए आप, जीता हुए तो आज टिकट ले जाइए। वो भी फैक्टर है कि जो एन वक्त पे कोई भी आकर के किसी को भी रिप्लेस किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, कांग्रेस को भी डर है कि उनके अंदर भी ग्रुपिज्म बना हुआ है, तो वो अब सेंट्रल, जब आपने एक इशू उठाया था कि सबकी मीटिंग दिल्ली में हो रही है जबकि स्टेट का इलेक्शन है, स्टेट की स्क्रीनिंग कमेटी है, स्टेट में होना चाहिए लेकिन दिल्ली में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो घोषणा कर दी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होगी और वहीं से टिकट डिसाइड होगा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सबको वहां बुलाया जा रहा है और वहीं पे बैठ करके फैसले हो रहे हैं। कारण है उसका, आपका परसेप्शन, उसका कारण है, परसेप्शन नहीं है, उसका कारण है क्योंकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी में भी टूट का डर है, वहां पर भी विरोध का भय है और बहुत सारी छोटी पार्टियां तो इस इंतजार में बैठी हैं कि ये सूचियां जारी हों, जो बागी आएंगे उनको हम एंटरटेन करेंगे। ये आज की राजनीति की सच्चाई है। का जिक्र करें आज आप तमाम दूसरी पार्टियों के बारे में किसी को भी ले लीजिए, छोटी पार्टियों में आप ये टिकट के लिए अप्रोच कर रहे हैं। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, कह रहा हूँ कि जो ये वादे होते हैं कि कितने परसेंट यूथ को देंगे, इतनी महिलाओं को देंगे, ये खोखले हैं। ठीक है, उसी पर समझ लेते हैं। अदिति हमारे साथ है। अदिति, हो सकता है भाई, ये एक बेसिक सवाल है, कितने डिक्लेरेशन हुए कि हम युवाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे, कितने डिक्लेरेशन हुए? अदिति, लग रहा है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। बात कांग्रेस वालों जी, अब ये बताएंगे तिवारी साहब कि आप 50% युवाओं को पहले कह रहे थे, फिर महिलाओं के लिए कह रहे थे, अब क्या कहने जा रहे हो कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे? अब हमारी उम्र भी नहीं रहेगी और आपको मंथन करते हुए कितने दिन हो गए, लेकिन आप टिकट नहीं है। एक युवा अपना युवा का वर्ष खत्म कर चुका, 5 साल तक स्ट्रगल रहा और दोनों के अंदर कुर्सी की लड़ाई में राजस्थान का किस तरह का बेहाल हो गया आप अच्छी तरह समझते हैं। बेरोजगारों का युवाओं को बुजुर्ग कर दिए, उनकी उम्र निकल चुकी है। ये तो मोदी से पूछो आप, देश में 70 लाख युवाओं के साथ में जिस तरह की चोट हुई है पेपर लीक में और जो भ्रष्टाचार आकट हुआ है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नौजवानों के साथ धोखा दिया, करोड़ों लोगों को हर सेक्टर के अंदर में रोजगार मिला है, जिनको आपने 1100 का सिलेंडर देने के लिए बाध्य कर दिया, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है तो बेसिक सवाल है कि भाई अगर आप नेक्स्ट जनरेशन को तैयार नहीं करेंगे तो फिर टोटा आता है नेताओं का। क्या वाकई में दोनों पार्टियां इसको फेस कर रही हैं और टिकट बंटवारे के दौरान सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर इसका टिकट काट दिया जाए तो टिकट दिया जाए तो किसको दिया जाए? एक मिनट सर। विजेंद्र, सबसे पहले क्योंकि हम अभी 15 जीआरजी मौजूद हैं, कांग्रेस में कोई नई रणनीति बनी है उसका जिक्र कर लेते हैं। 15 जीआरजी मौजूद है और विरोध भी हो रहा है, टिकट मांगने वालों की भीड़ भी है, लेकिन आपको अपडेट दे दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदर पहुंच चुके हैं, तमाम लोग ऑलरेडी अंदर हैं। अब सवाल है, आपने कहा संगठन, तो अब कांग्रेस ने शुरुआत से ये कहा कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा जिताऊ उम्मीदवार को देंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के साथ आगे चल रही है, आगे भी देखेंगे। कांग्रेस की बात करते हैं, पहले दिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे घर पे बैठक हुई थी तब अशोक गहलोत सचिन पायलट बाहर निकले थे, मई की बात है जब, तब साथ में बाहर निकले, एक तस्वीर हुई थी और उसके बाद से कोई बयानबाजी ज्यादा नहीं हुई। तब एक बात पे चर्चा हुई थी, दोनों ही नेता को एक कहा गया था कि दिल्ली तय करेगी, सीसी तय करेगी और जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दी जाएगी, अब उसमें जितने विधायकों के टिकट कटे कटेंगे। दोनों ने अग्री किया था कि जो जिताऊ होगा उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। लगातार मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यही बात होती रही कि जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट कटेगी। फिर सर्वे आया सुनील कोलू गोलू का जिसमें कहा गया कि 50 से 60% टिकट कटेगी। अब आपको बता देते हैं,
आज वो जो स्क्रीनिंग कमेटी है जिसमें एक्चुअल में खींचतान वाली स्क्रीनिंग कमेटी है, क्योंकि आज सब अपने पत्ते खोलेंगे, बातचीत करेंगे, असल मायने में 10-15% से ज्यादा टिकटें नहीं कटेंगी। यानी कि जो ये बात थी कि दावेदारी जो जिताऊ होगा यानी 50% टिकट कटेगी, तमाम चीजें ये बातें गौण हो जाती हैं। और इसकी वजह है, इसकी सबसे बड़ी वजह है विकल्प का ना होना, जो आप बात कर रहे हैं जी। हुआ क्या, पिछले 5 सालों में अगर मंडल पे चुनाव होते हैं, मंडल अध्यक्ष बनाना है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने हैं, विधायक के कहने के अनुसार बना दिए। अगर कोई चुनाव पंचायत के हुए या तमाम कोई भी चुनाव हुए, विधायक के कहने से बना दिए। यानी कि जितना भी ग्रास पे जो लोग तैयार किए गए वो केवल विधायक की टीम तैयार की गई, ना कि पार्टी के लिए टीम तैयार की गई। अब उस विधायक की एंटी इनकम्बेंसी है, वो चुनाव नहीं जीत पा रहे, ऐसे में आप टिकट कैसे काटेंगे? पूर्व मंडल अध्यक्ष, सारे जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो पंचायत के चुनाव तमाम चीजें हुई वो विधायक के कहने और विधायक की सलाह के मशवरे के अनुसार हुई। यानी कि संगठन पे ज्यादातर जगह आपके पास विकल्प नहीं है, इसलिए एक बार फिर आप उन हारे हुए उम्मीदवारों पर ही दाव लगा रहे हैं, इसलिए आप टिकट नहीं काट पा रहे। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। जो जो विधायक ने जो जो मांगा उसको दे दिया गया, लेकिन फिर भी उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, तो जरूरत क्या है किसी और प्रत्याशी को उतारने की? लेकिन आजकल संगठन में एस्पिरेंट्स भी 5 साल काम नहीं कर रहे। संगठन का एक्सपीरियंस ये है, जो यहाँ के लोग हैं, एक तो ये है कि जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो ग्राउंड से लोगों को विकल्प के रूप में युवा लोगों को खड़ा करें, शायद वो इतना कुछ हो ही नहीं पाया, आधे टाइम बाड़े बंदी में रहे, आधे टाइम कहीं और रहे, तो संगठन पे जो ध्यान देना था वो नहीं दे पाए। दूसरी बात है कि अब शायद कार्यकर्ता भी 5 साल काम नहीं करना चाहता, वो 3 महीने पहले आके अपना बायोडाटा किसी सिफारिश के लिहाज से ले आता है। और तीसरी बात है कि इस बार जो कुछ भी हुआ विधायक के कहने पे हुआ, अगर आप फर्ज कीजिए कि विधायक की टिकट काट दी जाएगी तो फिर विधायक अपने तेवर दिखाएगा, पार्टी से बगावत होगी, बगावत करने की स्थिति में कांग्रेस है नहीं। लबोलुभाव बात का यह है कि विकल्प की कमी के चलते जो सोचा गया था कि जिता उम्मीदवारों को लड़ाया जाएगा, सिटिंग एमएलए को काटा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लगभग सिर्फ 10-12 या 15 टिकटें कटेंगी, उसमें भी कई मंत्री हैं, लेकिन उसके लिए भी विकल्प खोजा जा रहा है। आपकी इस पूरी बात को अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूं कि कांग्रेस के पास दो ही विकल्प है। अगर आप एंटी इनकम्बेंसी जिन विधायकों के खिलाफ है उनको उतारते हैं तो जनता के बीच में जनता हराएगी, और अगर किसी और जिताऊ को आप उम्मीदवार बनाते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता ही हराएंगे, क्योंकि वो तो विधायक के हैं। एब्सोल्युटली, आपने जो कहा कि फीडबैक जो आया है कि विधायक की टिकट काटी जाए, वो तो जनता के बीच से आया है। चुनाव भी जनता हराती है या जिताती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे। उसकी बड़ी वजह यही है कि एक तो खुद विधायकों ने अपनी जमीन नहीं संभाली, आपको सब कुछ मिला सरकार से, आपको अपने इलाके में विकास करने के लिए सब कुछ दिया गया, लेकिन आप अपनी जमीन पे फिर भी नाराजगी नहीं हटा पाए या उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। और दूसरी बात यह है कि आपने किसी दूसरे को खड़ा ही नहीं होने दिया। राजस्थान सरकार में एक मंत्री है, अभी इस इंटरनल बैठक का जिक्र कर रही हूं मैं, जब ये बैठकें चल रही थी तो एक केस निकल कर आया कि एक मंत्री है जिनकी टिकट कट सकती है, जो कि ईस्ट इलाके से आते हैं, उनके लिए कई नेता लोग, जो कई कार्यकर्ता आए कि हम 5 साल से कोशिश कर रहे हैं पार्टी के लिए काम करने के लिए, लेकिन हमें काम नहीं करने दिया गया, यहां तक कि हमें थाने तक भी भेज दिया गया। तो उस कार्यकर्ता की शिकायत थी कि हमारे ही पार्टी के मंत्री, नेता, विधायक हमें खड़ा होने ही नहीं देते। ऐसे में फिर उनको पीछे से ज्वाइनिंग कराई, तमाम चीजें हुई, विधायक का विरोध भी हुआ, लेकिन सही मायने में विधायक ही किसी और को पनपने नहीं देते। ये वजह है कि संगठन में लोग नहीं है जो एस्पिरेंट हो। और दूसरी बड़ी बात है कि संगठन, जब सत्ता होती है तो संगठन वैसे ही सब में से हो जाता है, तो ये प्रदेश अध्यक्ष या संगठन या AICC की भी जिम्मेदारी है कि भले ही हमारी सरकार है, लेकिन 5 साल बाद के बारे में सोचते हुए संगठन में लोग खड़े करने जरूरी है। क्योंकि अब वो बात तो रही नहीं कि पार्टी फर्स्ट, तो अब अगर आप टिकट काटेंगे तो आपका विरोध होगा, आप पार्टी से नाराज होगी। दीदी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आरआर तिवारी जी, अब जाहिर आप मेरी बातों से भी इत्तफाक नहीं रखेंगे, अदिति भी जो आईना दिखा रही है उससे भी हो सकता है आप इत्तफाक ना रखें, क्योंकि भाई इत्तफाक रखेंगे तो खुद की कमजोरी सामने आएगी। तो जरा ये बताइए कि बतौर जिला अध्यक्ष, छोटा सा कार्यकाल है लेकिन कितने युवाओं को पनपने दिया, कितने आ गया है, क्योंकि कई प्रदर्शन मैं ही देख रहा था। आप जिलाध्यक्ष हैं लेकिन आपसे ही आगे कई नेता खड़े नजर आते हैं।
देखो विजेंद्र, आपने और अभी अदिति ने जो रिपोर्ट दी है मैं उसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा कार्यकाल तो अभी जुलाई से शुरू हुआ जी। लेकिन मैंने साढ़े, चूंकि मैं संगठन में 45-46 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने कोशिश करी है ईमानदारी से, जयपुर की 8 विधानसभाओं में मैंने युवाओं को जोड़ा है, मैं संगठन में अनुभवी हूँ, इसका मतलब मैं किसी वर्तमान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ आने वाला भविष्य कांग्रेस का, हमारा जो 20-25 साल कांग्रेस का झंडा उठा करके राजधानी में हम चल सके कोशिश करिए, हम कितना सफल हो पाएंगे। लेकिन एक बात अदिति ने बड़ी महत्वपूर्ण की है कि जिन लोगों की ग्राउंड रिपोर्ट पर जनता खिलाफ है, ये कांग्रेस लोकतंत्र का मंदिर है, राजस्थान देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने में अगर कांग्रेस रही है तो आज देश में नरेंद्र मोदी हमारे शहनशाह बन गए प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन फिर कह रहा हूं, जनता की आवाज कांग्रेस के नेता सुनेंगे और जनता जिनको जिताना चाहती उनको हम लेकर के आएंगे। सर उनके लिए आपने पूरी लाइन नहीं सुनी, उनके खिलाफ तो आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है तो वो तो सिटिंग विधायक के हैं। अदिति कुछ कह रही है, अदिति कहिए क्या कह रही है, अदिति कहीं से बात है वो आवरण दिख रहा है जी। कार्यकर्ता संगठन बोलिए बोलिए, एक मिनट आ रहा है जी, ठीक है, मुझे लग रहा है अदिति कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप बोलिए। आप तो खुद जिला अध्यक्ष हैं, बोलिए बोलिए, आप तो खुद जिला अध्यक्ष हैं, आप तो कैंडिडेट के नाम लेकर आए हैं, पैनल में आपका नाम भी नजर आ रहा है, लेकिन अब आप ये बताइए आप सुनील शर्मा जी को आगे करेंगे या फिर आप गिरीश पारिक जी को आगे करेंगे या आप खुद का नाम आगे कर रहे हैं? आपके इलाके की बात बता दीजिए, बहुत टेक्निकल सीट है, महेश जोशी जी का नाम कट रहा है, ऐसे में आप किसको आगे करेंगे? आपका भी नाम है, आपकी सुनील शर्मा से भी अच्छी दोस्ती है और गिरीश पारिक जी भी चल रहे हैं, तो आपकी तरफ से पैरवी किसकी है? अदिति मैं एक बात स्पष्ट कर दूं हमारे करोड़ों दर्शकों के सामने, मैंने आवेदन नहीं किया किसी भी विधानसभा से, मैंने कहा था मैं चुनाव में नहीं लड़ूंगा, मैं संगठन का काम कर रहा हूं, ये बात आप नहीं बता रहे हैं कि मेरा कहीं है, तो अगर पार्टी का अगर कोई फैसला है तो मैं मानूंगा, आज मैंने इस उम्र में अगर पार्टी का फैसला माना संगठन का तो अगर मेरे को चुनाव लड़ाने का मौका मिला तो यही तो हम प्रमाण कर रहे हैं और ये आर आर तिवारी जी ने कर दिया कि भाई हमारे पास नेता नहीं है, हमारे पास नेता नहीं है, तभी तो आर आर तिवारी जी जो कह रहे हैं मैं नहीं लड़ रहा, मुझे नहीं लड़ना, फिर भी पार्टी कहेगी नहीं आपको लड़ना है क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, उस ऑप्शन पर ही तो डिबेट कर रहे हैं आज हम। बिल्कुल विजेंद्र, उस ऑप्शन पे ही डिबेट कर रहे हैं क्योंकि लोग नहीं है। अब आरआर तिवारी जी अगर मना कर रहे हैं, आरआर तिवारी जी किसका सपोर्ट करते हैं? जिला अध्यक्ष है, उनकी मायने बहुत रखते हैं, लेकिन ऐसे में हर सीट, अभी आपको मैं दिखाऊं, मैं मुकेश जी से कहूंगी, यहाँ पे अमीन कागजी साहब के लिए नारेबाजी हो रही है, 2 दिन पहले की स्क्रीनिंग कमेटी में नारेबाजी हो रही थी जायदा खान के लिए, अब आप देखिए पार्टी के अंदर ही जायदा खान की सीट पे वाजिब अली लड़ना चाहते हैं, अब अमीन कागजी की सीट पे देखिए महेश जोशी जी, उनका उनके जो लोग हैं उनका भी सिफारिश आई है कि अमीन कागजी जी की सीट पे किशन पोल पे उनको लड़ा दिया जाए, और पर वहां पर अमीन कागजी ऑलरेडी है, लेकिन अभी अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, तो विरोध करने के लिए तो पार्टी के लोग आ जाते हैं। अदिति, जो भी अदिति, नाराज लोग, पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना। अमीन कागजी हटाओ, किशन पोल बचाओ, और अमीन कागजी का नाम पहली लिस्ट में फाइनल हो चुका है, जो पहली लिस्ट अभी जो 2 दिन पहले की स्क्रीनिंग। देवेंद्र शास्त्री जी, सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात को पूरा कीजिए। देवेंद्र शास्त्री जी, क्या वाकई में एक बार फिर से हम पुराने चेहरों के साथ नई नीति या नई विचारधारा की सोच हम देख सकते हैं कि देखिए हम ये करने वाले हैं, चेहरे हमारे अनुभवी हैं, इन्हीं के साथ लड़ेंगे? देखो विजेंद्र, ये स्पष्ट है स्थिति के संगठन और सरकार के बीच में और विधायक और संगठन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का अभाव है, और ये दोनों पार्टियों में आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी के साथ ये समस्या है, ये समस्या आपको दूसरी पार्टी के साथ भी दिखाई देगी, क्योंकि अभी जो राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो मंथन चल रहा है वो किसी और की सफलता को देख करके अडॉप्ट करने की का तरीका है, संगठन का अपना कोई तरीका नहीं है। जीताऊ कैंडिडेट को किसी ने कह दिया जीताऊ को देंगे तो ये शुरू हो गए जीताऊ को देंगे, और किसी ने विधायक ने विरोध कर दिया और उसका दबाव ज़्यादा हो गया तो वो फैसला
फैसला बदल गया। अदरवाइज ये है कि जनता जिसको चाहती है उसको अगर आप टिकट देंगे तो कार्यकर्ता कुछ भी हल्ला मचाएं, जनता जितवा देगी। ये फार्मूला एकदम स्पष्ट है, लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों है मुझे? राम कुमार वर्मा जी, वेट करना पड़ेगा सेकंड लिस्ट का कि पहले कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाए उसके हिसाब से रणनीति बनाएंगे? आ सकती है पहले। देखो, हमारा कोई वेट किसी का नहीं है, हमारा संगठन मजबूत है, डिसिप्लिन है, शास्त्री जी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की हालत ये है कि क्या शब्द इस्तेमाल किया सर अंग्रेजी में आपने? अंग्रेजी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है। हिंदी में अनुशासन? नहीं, अनुशासन है, और उसको आप कहे कि अनुशासित पार्टी। नहीं, झोटवाड़ा में अनुशासन था सर। ये छोटी मोटी बातें हैं, ये एक मिनट, किशनगढ़ में अनुशासन, पहले आप मेरी बात सुनिए। नगर में अनुशासन, सवाई माधोपुर में अनुशासन, देवली उनियारा में अनुशासन, तिजारा में अनुशासन। सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर आर तिवारी जी शुक्रिया, राम कुमार जी शर्मा, राम कुमार जी आपका भी शुक्रिया, देवेंद्र जी और अदिति आपका भी शुक्रिया। ये जंग सिंहासन की है, इतनी आसान नहीं। नमस्कार।